मैं दिलराज कौर प्लेबैक सिंगर बात कर रही हूँ आपसे, आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब टू अस ऑन अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। दोस्तों, सक्षम आप सभी के लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार मौका। 11,000 रुपए कीमत के ईवो E10 डिवाइस पर 7,000 रुपए की सब्सिडी पाने का। यह सब्सिडी अवेल करने के लिए आपको पहले स्टेप के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आप हमारी ओर से एक ईमेल रिसीव करेंगे जिसमें आगे आने वाले स्टेप्स की जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9266626368 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें ashma@sakshan.org पर ईमेल भेज सकते हैं। ashima@sakshan.org। धन्यवाद। It is believed that the city of Delhi has 7 incarnations. It has been built and razed to ruins many a time. And every time the ruler of Delhi has built a new fort and fortified the city. Delhi mein kitne hi alag alag kile dikhai de jate hain ya unke khandar dikhai de jate hain. Some of them even older than this fort. But still this fort is given the pride of place. The Purana Kila, the old fort. हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि यहाँ पे पुरानी माइथोलॉजिकल सिटी थी इंद्रप्रस्थ की, जिसका कि मेंशन महाभारत में आता है। मेनी एक्सकवेशंस डन एट दिस इन दिस फोर्ट हैव इस थ्योरी को पक्का किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए नए एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलो का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, क्योंकि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करते हैं हम इस शो में चर्चा किसी न किसी नए किले की, और आज के शो में हम चर्चा करेंगे पुराने किले दिल्ली की। इट इज बिलीव्ड दैट द सिटी ऑफ दिल्ली हैज हैड 7 इनकार्नेशंस। इट हैज बीन बिल्ट एंड रेज्ड टू रुइन मेनी अ टाइम, एंड एवरी टाइम द रूलर ऑफ दिल्ली हैज बिल्ट अ न्यू फोर्ट एंड फोर्टिफाइड द सिटी। वी एनकाउंटर मेनी अ फोर्ट और देयर रुइंस इन दिल्ली। Some of them even older than this fort, but still this fort is given the pride of place and is called Purana Kila, the old fort. Historians believe that this is the site where existed the mythological city of Indraprastha, mentioned in the Hindu epic Mahabharat. Recent excavations carried out in the fort have reinforced this belief. After his conquests of the fort of Kalinjar and Chunar, Himayun laid the foundations of a new capital, Deenpana. Historians believe that he began work at a site where the ruins of the old fort are scrawled today. Lekin kuch antre baad hi unko jo hai har ka samna karna pada tha Sher Shah Suri ke haatho, and he was forced to leave Delhi. It is said that the victor demolished all the structures built by Himayun and initiated work on a new reinforced फोर्ट। लेकिन किस्मत की बात है कि इससे पहले कि वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर पाते, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई और बाकी का काम पूरा किया फिर से हुमायूं ने। एंटीक्विटी ऑफ दिस प्लेस गोस बैक टू महाभारत पीरियड। इट्स नॉट ओनली इन एंशियंट लिटरेचर, आई मीन इट इज संस्कृत लिटरेचर व्हाट वी गेट, आई मीन द रेफरेंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, बट इवन इन पर्शियन लिटरेचर ऑल्सो we have the reference about this place, particular place as Indraprastha. And Indraprastha was one of those 5 places which Pandavas had wanted. Indraprastha, Tilpat, Baghpat,
Sonipat and this area also. So on the basis of the archaeological excavations, earlier Hastinapura, the scene of the fight was excavated. There at the lower bottom, we got a pottery known as PGW, that is painted graveware pottery. That is known as Mahabharat pottery. And the same pottery has been excavated from this place also, which confirms the authenticity of the Persian literature also, and also the Sanskrit literature also. इस साइट पे जो एक्सकवेशंस की गई है वो निकल जो निकला है सामान इट बिकम्स इट इज फ्रॉम द महाभारत पीरियड इट इज सेड इंद्रप्रस्थ एज मेंशन इन द महाभारत एपिक कुड हैव सेटल्ड इन दिस विसिनिटी जो एक्सकवेशंस हुए हैं उनसे प्रूव होता है कि यहाँ पे तकरीबन क्राइस्ट के पैदा होने से 1000 साल पहले यहाँ पे कोई सेटलमेंट थी पॉटरी और पोर्सलिन जो निकला है यहाँ पे एक्सकवेशंस में वो ये बात सिद्ध करता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी उसी जगह पे बना रहे थे विच हैड सपोर्टेड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वंस When the excavation was conducted, so we have got right from the Mauryan period up to Mughal period, there is a continuous cultural sequence without any kind of break. This kind of getting a site without any break in between, that is something very unusual. That means after the Mahabharata period, habitation started there, right from the Mauryan period, and through Sung, Kushan, and continuously up to medieval period, there was a continuous inhabitation in that area. So that way, it is historically very important for us. Forts in Firozabad, Tughlaqabad, and Siri have played an important role at different times. But by the middle of the 16th century, all of them had fallen into disrepair and changed into ruins. There was need for a strong fort. Whatever I mean, Mughal cities we have, we can divide them into two particular categories. One was the Jahanpana, where the king Humayun, or I mean it was Sher Shah, they used to live. They used to live in this fortified area. But the general public, they were living just outside the city, in the whole area known as Dinpana, right from Humayun's tomb up to that Firoz Shah Kotla, that was the fifth city of Delhi. जो सीरी का शहर है विच वॉज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वो अब पूरी तरह खंडर बन चुका है अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट हैज सर्व्ड एज एक्सक्यूजेस टू डिमोलिश ओल्ड स्ट्रक्चर्स रूथलेसली अगली बिल्डिंग्स हैव मशरूम्ड टू रिप्लेस देम अलाउद्दीन खिलजी ने एकला तामिल किया जिसको कले सीरी कहा है जियाउद्दीन बरनी ने जो 13 सेंचुरी का हिस्टोरियन है और लिखा है कि बहुत बड़ा किला अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर किया और इतना महफूज था कि जब मंगोलों का अटैक दिल्ली पे हुआ तो मंगोल सीरी के फोर्ट में दाखिल नहीं हो सके तुगलकाबाद फोर्ट वाज द फर्स्ट टाइम इन द सल्तनत An attempt was made to fortify an entire city. It is reasonable to assume that this inspired the builders of Purana Kila to commission a fort more stronger and more grander than before. The construction of a newer type of fort was also necessitated after the Battle of Panipat, जिसने बता दिया कि artillery की वजह से जो पुराने किले थे वो सब obsolete हो गए हैं मिडिवल पीरियड में सेंट्रल एशिया और दूसरी जगहों पे भी हमें फोर्टिफाइड टाउन्स की ट्रेडिशन मिलती है तो गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान है जिसने तुगलकाबाद में फोर्टिफाइड टाउन भी तुगलकाबाद फोर्ट की बैक में बनाया ताकि अगर कोई अटैक हो तो पब्लिक को भी पूरा प्रोटेक्शन दिया जा सके फिरोज शाह कोटला पे जो किला है वो बिल्कुल अब खंडर बन चुका है और अब सिर्फ वहाँ पे रबल ही दिखाई देता है फिरोजाबाद नाम के शहर का कुछ भी नहीं मिलता है विच वॉज बिल्ड टू कमीशन द बिल्डर सिर्फ अशोक की लाठ ही दिखाई देती है दूर से जब फिरोज शाह कोटला बन रहा था तो 14 गांव एक्वायर किए गए थे उन 14 गांव में एक गांव का नाम इंद्रपथ भी है और इंद्रपथ वो नाम है जो कि महाभारत का नाम है तो कोई ताल्लुक तो मुझे कोई ना कुछ इस इंद्रपथ नाम की वजह से दिखाई देते आज भी ये इलाका इंद्रपथ के नाम से मशहूर है और उसी हिसाब से हम जानते हैं
20 मीटर ऊंची और 50 मीटर चौड़ी दीवार ही पुराने किला को कवर करती है और ये दीवार बनी है पत्थरों और रबल से। ये जो दीवार है ये बेस में तो ब्रॉड है एंड टेपर्स एज इट ग्रोज हाई। इन्वेडर्स को थ्रॉट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स बने थे, दो प्लेटफॉर्म्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द वॉल। द फोर्ट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। इट्स वाटर वॉज ब्रॉड थ्रू डीप कैनाल्स टू फिल द मोट विच सराउंडेड इट। शेरशाह सूरी का जो नाम है इस किले से बिल्कुल इनसेपरेबल है। द अफगान हैड स्टार्टेड हिज लाइफ एज एन ऑर्डिनरी फुट सोल्जर एंड देन ही रोज थ्रू द रैंक्स अप टू द टॉप विद शेयर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। ही नेवर लॉस्ट टच विद रियलिटी एंड एम्पेथाइज विद द जॉयज एंड सोरोज ऑफ द कॉमनर्स ही रूल्ड। हिज सिंप्लिसिटी एंड स्पार्टन टेस्ट पूरे किले में दिखाई देता है उसके अवशेष। उसका भी एक ख्वाब ये था कि वो भी एक बड़ा हिंदुस्तान बनाए और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हिंदुस्तान के इनको ख़त्म कर दे। अब तक जो डिपेंडेंस थी मुल्क की या सल्तनत की वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे थी। उसने दूसरा ऑप्शन ट्रेड का तलाश किया और उसके लिए उसने रोड्स बनाने की कोशिश की और जो ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनाई। इकोनॉमी का डेवलपमेंट का दूसरा जरिया जो है वो ट्रेड है। ये उसके फारसाइटेडनेस की दलील है, इसलिए कि अब तक किसी भी सुल्तान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और यही पिकअप किया। फिर अकबर के जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया और फिर ट्रेड को स्ट्रॉन्ग किया। शेरशाह सूरी जो थे पहले और आखिरी रूलर थे जिन्होंने इस किले में रहे थे एंड रूल अ स्प्रॉलिंग एम्पायर थ्रू दिस प्लेस। उन्होंने ही एक हाईवे बनवाया था विद जॉइंस पटना विद पेशावर। उन्होंने ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया एंड ही इम्प्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म्स। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूटेड आउट फ्यूडल करप्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। शेरशाह हिस्टोरिकली रिवाइव्ड द अफगान रूल इन इंडिया। हिज रूल कैन बी टर्म्ड एज द सेकेंड अफगान रूल, द फर्स्ट अफगान रूल बींग दैट ऑफ द लोधीस। दैट्स वाई ही इज प्रेस्ड बाई मेनी अफगान हिस्टोरियंस और हिस्टोरियंस ऑफ अफगान ऑरियंटेशन that he was the one who revived the glory of the Afghan Sultanate. Shershah Gate is built away from the other monuments. Entrance is near the Khairul Mosque. Rang-birangi tile lagi hain is gate ke upar and beautiful abstract designs bhi hain isi pe. Hindu and Islamic motifs use kiye gaye hain iski decoration ke liye. गेट जो है मल्टी स्टोरीड है और ऐसा लगता है कि ये गेट जो था मेन एंट्रेंस था ड्यूरिंग शेरशाह सूरी रेन। जो सूर आर्किटेक्चर है उसमें भी रफनेस है, रिफाइनमेंट नहीं है सूर आर्किटेक्चर में, इसलिए कि वो भी शेरशाह सूरी की जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। खैरोल मंजिल मॉस्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स इनसाइड द फोर्ट। इसका जो बनाने का स्टाइल है ये अलग बिल्डिंग से बहुत ही अलग है। इसका नाम को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो बनता है बेस्ट बिल्डिंग। ये जो है माना जाता है कि ये कमीशन कराया था बाय द फॉस्टर मदर ऑफ अकबर। शेरशाह सूरी ने जो है बहुत बड़े बड़े आलिशान महल नहीं बनवाए होंगे लेकिन फिर भी उनको याद किया जाता है बिकॉज ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर हिज लैंड रिफॉर्म्स। कम टाइम में जो इमारतें बनी उसका सीमेंटिंग मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये उस पीरियड की पॉलिटिकल और एकेडमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है कि शेरशाह कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर और जो उसके लोकल चीफटेंस है और उनसे जो झगड़े चल रहे हैं वो आर्किटेक्चर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। द कलाई कोना मॉस्क जो है अपने नाम को चरितार्थ करती है क्योंकि ये किले के कोने में ही बनाई गई मस्जिद है। जितनी भी बिल्डिंग शेरशाह ने बनवाई थी उनमें से सिर्फ ये मस्जिद ही बची हुई है आज की तारीख में। बिल्ट इन अ डिस्टिंक्ट स्टाइल, ये बाकी मस्जिद जो दिल्ली में है उनसे बिल्कुल अलग प्रकार से दिखाई देती है।
It is decorated with marble and inlay work, wrought in colorful and precious stones. There is a balcony and beautifully decorated arches and minarets. It seems that the same commitment and concentration was lavished on this mosque construction as was applied to administrative reforms. In a short span of time, something like 4 to 5 years, he was able to introduce a whole range of institutions and policies which served as a blueprint for Mughal administration. And Abul Fazl, who is the official historian of Akbar and his empire, always acknowledges, even though he doesn't call him Sher Shah, calls him Sher Khan, acknowledges that this was a measure or this was a policy which was first started by Sher Shah, and His Majesty has inherited this and of course perfected this. अपने राज के शुरुआती दिनों में शेर शाह के पास बिल्कुल टाइम नहीं था टू बिल्ड दिस लेविशरी पैलेसेस. जब उनके पास कुछ क्षण फुर्सत के आए होंगे तो उन्होंने बनाई किलाई कोना मॉस्क. इट इज नो लेस अट्रैक्टिव देन एनी पैलेसेस. Percy Brown maintained that this mosque is like a dazzling diamond in the diadem of Indian architecture. As one stands inside this mosque, one cannot but be impressed by the grand unifying vision of Sher Shah, a vision that encompassed great diversity. This is the mindset which is reflected in his administration and reforms. He was able to create a confederacy of various of disparate Afghan tribes and clans, and through shrewd measures acquiring one fort after another, and slowly and gradually he built a very formidable force which could match the strength of the Mughal army, and was able to defeat Humayun and establish his regime in 1540. And between 1540 and 1545, the few years of his rule were very eventful. The upper stories of the mosque give the distinct impression that we are in a Hindu temple. ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी पुराने हिंदू बिल्डिंग का पार्ट है, क्योंकि शेरशाह ने जो है पूरा स्क्रैच से बनवाया था इसको. ऐसा कहा जा सकता है कि शेरशाह ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ब्लेंड किया था हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स को. दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एंड रिफाइंड बाय अकबर. मेमोरीज लिंगर ऑन इन दिस ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली ऑफ द अनफॉर्चुनेट मुगल एम्परर हुमायूं. हुमायूं इनहेरिटेड द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बाबर, बट ही वाज नॉट डेस्टिन्ड टू रेन इन पीस. शेरशाह सूर, एन अफगान सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून, डिफीटेड हिम and chased him out of Delhi. Humayun could return to Delhi and reclaim his heritage only after Sher Shah died. But poor man was not destined to live in peace or in happiness. He spent the remaining days here in the library here reading his books, fond of him. Unfortunately, one evening at dusk, he tumbled on the stairs, broke his neck and died. It has been aptly observed by the English historian Vincent Smith, unfortunate Humayun tumbled all through his life and tumbled out of it. Sher Bundle is an octagonal double-storied structure aur ye lal patthar se banayi gayi hai. White stone inlay work has been used to create abstract designs against the red background. Legend ki baat kare to uske anusar Sher Shah ne banwaya tha for his amusement. और हुमायूं ने इसका यूज किया था एज ए लाइब्रेरी. दिल्ली में किलों की कमी नहीं थी जब हुमायूं आया. सलीमगढ़ का किला मौजूद था, फिरोजशाह कोटला मौजूद था, दौलताबाद का किला मौजूद था. तो ये सब की मौजूदगी में फिर एक किला बनाना कोई तुक नजर नहीं आती थी. लेकिन क्योंकि हर बादशाह अपनी शान चाहता है ताकि लोग उसको उन किलों के जरिए, उन महलों के जरिए याद रखें, इसलिए इसकी तामीर हुई. एक दफा तामीर हो गई तो चंद बरस हुमायूं के इसी में रहा. जब अर्ली पीरियड था अकबर का तब भी यही किला इस्तेमाल होता रहा है. The gate known as बड़ा दरवाजा is very grand and impressive. कुछ historians का ऐसा भी मानना है
कि ये जो शेरशाह ने बनवाना शुरू किया था इसको पूरा कराया हुमायूं ने। जो सैनिक इस गेट के ऊपर तैनात थे वो दूर से ही किसी भी शत्रु को देख सकते थे। तलाकी दरवाजा सीम्स टू हैव बीन कंसीव्ड एज अ एंट्रेंस टू बी यूज्ड ऑन फॉर्मल सेरेमोनियल ओकेजंस। ये गेट के आसपास ही बैरक्स फॉर सोल्जर्स बनाए गए थे। द रुइंड हुमायूं दरवाजा जो कि आजकल बंद रहता है, इट फेसेस द जू। हुमायूं के टाइम में कितनी अलग अलग बिल्डिंग पनप गई थी आउटसाइड द रैमपार्ट्स। तारीखी तौर पर इसको बहुत इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आसपास आबादी इसकी बड़ी कायम हो गई थी। जब अकबर की हुकूमत कायम हुई, हुमायूं वापस आया, तो उनकी बेगमात और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब इसी इलाके में बन गए। और फिर हजरत निजामुद्दीन भी दूर नहीं थे, वो भी पास। हजरत निजामुद्दीन की वजह से इस इलाके की समाजी हैसियत तो बहुत थी, लेकिन इसकी सियासी हैसियत बिल्कुल नहीं थी। इतने ही सूफी सेंट्स के मकबरे हैं आसपास ही, और उनमें से एक है मटका पीर। पीर यूज्ड टू टेल हिज फॉलोअर्स दैट द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ अर्थन पिचर, एम्प्टी एंड फ्रेजाइल। पीर दे रोजे दे बन जावा, रोंदी पीर दे रोजे दे बन जावा। जो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए, पीछे छोड़ के जाते हैं अर्दन पिचर, एक अर्दन मिट्टी का मटका। किले की एक दीवार जो है जू को भी टच करती है, एंड द अदर साइड ओपन्स टू प्रगति मैदान एंड इंडिया डिस्प्लेज अ पावरस। पुराना किला इज नॉट अ रुइंड मॉन्यूमेंट, इट इज अ लिविंग मेटाफोर, a bridge that spans two worlds, one ancient and medieval and the other ultra modern. So dosto, isi ke sath khatam hota hai mera aaj ka episode aapke favorite show Bhartiya Kilo ka. Ye show jo aap sun rahe the aur aap har hafte sunte hain aapke favorite internet radio station Radio Udaan pe, jo ki hai A Flight of Life. Aur aaj ke show mein humne charcha kari thi purana kile Delhi ki. अगर आप मेरे शो के रिकॉर्ड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com पे जाके भी छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के मुझे आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक सेंड कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है रेडियो उड़ान, उस पे जाके उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। And don't forget to press the bell icon to get notifications in the future. तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके उस फैमिली को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे हम शो, करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी न किसी नए किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टेक्टाइल बुक। इस टेक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टेक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266263683 या 9266263637। हैप्पी कलरिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी?
Never fail when Saksham is here. जी हाँ, Saksham का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी. आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है Saksham की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in. वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स. Saksham इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली. तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए. हैप्पी शॉपिंग. Stay home, stay safe.